आई प्रे एवरीथिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नोर डंजन के पास में काम कर रहा होता है। तभी उसको डंजन में लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और नोर अंदर जाकर देखता है तो उसको वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसके बाद नोर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और प्रिंसेस लिन को बचा लेता है। इसके बाद आगे इस एपिसोड में हम देखते कि लिन अपने सभी गार्ड्स जो कि मर गए होते हैं उनके आगे झुक जाती है और उनके लिए प्रे करने लगती है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लिन्स होता है। वो लिन से पूछती क्या आप ठीक है, जिस पर लिन बताती कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लिन से माफी मांगती है और कहती कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए था, जिस पर लिन से कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कास्टल से बाहर भागकर मैं ही आई थी। फिर डार्कन लिन से कहते कि हमें वापस कास्टल में जाना होगा क्योंकि लॉर्ड रेन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके बाद रेन डार्कन से कहते कि मैंने लिन से बात कर ली और मुझे पता चल चुका है कि डंजन में क्या हुआ है। डार्कन रेन से कहते कि ये सब शायद से किसी ने जानबूझकर किया होगा क्योंकि हमें वहां से एक मर्चेंट की डेड बॉडी से रिंग मिली है। उस रिंग को ओकेन ने चेक किया और उसको उस रिंग के अंदर से कुछ मैजिक स्टोन मिला जो कि बहुत ही पावरफुल है। फिर डार्कन वो रिंग रेन को दिखाता है और कहता कि इस रिंग का मिलना बहुत ही मुश्किल है। रेन कहता है कि कोई अमीर इंसान भी इस रिंग को ऐसे ही नहीं खरीद सकता है, जिसके बाद डार्कन बताता है कि इस रिंग के अंदर से मैजिक पावर चली गई है और शायद ये रिंग मैजिक एम्पायर डेरिडस से आई है क्योंकि वो हर बार हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर डार्कन कहता है कि इस रिंग का यूज करके प्रिंसेस लिन को ट्रैप किया गया है और ये सब शायद से हमारी कंट्री के साथ वॉर करने के लिए किए होंगे। रेन कहता है कि वो हमसे हमारी रेयर चीजें लेना चाहते हैं। हमारे किंगडम के सभी रिसोर्सेस हमें डंजन से मिलते हैं और रेन उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने लिन को बचाया था, जिस पर डार्कन बताता है कि वो आदमी शायद से एक एडवेंचरर है, पर जब हम उस डंजन में पहुंचे तब तक वो वहां से जा चुका था और हमने उसके पीछे एक आदमी भी भेजा है और वो बहुत ही तेज है, जिस वजह से हमारे लोग भी उस इंसान का पता नहीं लगा पाए। फिर रेन सोचने लगता है कि वो इंसान कौन होगा और इधर नोर गिल्ड में आता है तो गिल्ड मास्टर नोर को देख कर कहता है कि तुम बच गए, जिस पर नोर पूछता है कि क्या हुआ। फिर गिल्ड मास्टर नोर को बताता है कि कल रात डंजन के एंट्रेंस पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आया था, फिर जब हमें पता चला कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं हो तो मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र होने लगी, तुम रात को कहाँ चले गए थे, जिस पर नोर बताता कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। फिर गिल्ड मास्टर नोर से पूछते कि तुम्हारा फेस क्यों खराब है, जिस पर नोर बताता कि मैं सुबह से मुंड में गिरा था इसलिए मेरा फेस गंदा हो गया। फिर गिल्ड मास्टर नोर से कहते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो जो ओ मॉन्स्टर तुम्हें नहीं मिला, क्योंकि ओ मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको एक ए रैंक का एडवेंचर ही हरा सकता था। फिर नोर सोचने लगते कि कल रात जो उसने मॉन्स्टर से फाइट की थी वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उस बड़े से मॉन्स्टर को जिसने भी मारा होगा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर नोर को ये बात पता नहीं होती कि उसने उस बड़े से मॉन्स्टर को हराया था। नोर गिल्ड मास्टर से उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर गिल्ड मास्टर बताता है कि उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को स्ट्रेंजर ने अपने साथ ले गए। फिर गिल्ड मास्टर नोर को उसका काम के पैसे देते और उससे कहते कि तुम्हें कोई डिसेंट जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, जिसे सुनने के बाद नोर कहते कि मैं एक एडवेंचर हूँ और मैं अपने डेली क्विस्ट करता हूँ इसलिए मुझे किसी डिसेंट जॉब की जरूरत नहीं है। तभी नोर के पीछे एक लड़की आ जाती है और उससे कहती कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर नोर उस लड़की को देखकर कहते कि तुम वही हो ना जो कल रात को मेरा पीछा कर रही थी, जिस पर लिन नोर से कहती कि मैंने तुम्हें अपने डिटेक्शन स्किल से ढूंढा है। नोर उस लड़की से पूछते कि तुम्हारे पास तो थीफ की स्किल है ना, फिर लिन बताती कि मैं एक मैजिशियन हूँ और मुझे सभी स्किल के बारे में पता है, जिसे सुनने के बाद नोर हैरान हो जाता है। फिर लिन बताती कि मैं उन सभी मैजिक के बेसिक लेवल पर हूँ। फिर वो देखते कि गिल्ड में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते, जिसे देख लिन नोर से कहते कि क्या हम सभी बाहर जाकर बात कर सकते हैं। इधर गिल्ड मास्टर नोर को पकड़ लेता और उससे पूछते कि तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, जिस पर नोर बताता है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता है। लिन नोर से कहते कि अगर तुम्हें यहीं पर बात करना है तो मैं अपने मैजिक से तुम्हारे ऊपर एक बैरियर बना सकती हूँ जिससे कि कोई भी हमारी आवाज नहीं सुन सकता। और फिर नोर गिल्ड मास्टर से पूछते क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। गिल्ड मास्टर नोर से कहते कि अभी तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए पर तुम कुछ गड़बड़ मत करना, जिसके बाद नोर लिन के साथ जाने लगता और उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लगा होता है जिसे कि कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। और तभी नोर को कुछ गार्ड्स आपस में बात करते हुए सुनते हैं। नोर लिन से कहते हैं कि शायद से ये गार्ड किसी को ढूंढ रहे हैं, जिस पर लिन बताते हैं कि वो तुम्हें नहीं देख सकते। फिर वो दोनों दूर चले जाते और लिन नोर से सॉरी कहती है और बताते कि तुम गिल्ड मास्टर से बात कर रहे थे पर मैंने तुम्हें यहां पर बुला लिया, जिस पर नोर पूछते कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। लिन नोर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और बताते कि कल अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद नहीं बच पाती, जिसके बाद नोर लिन से कहते कि तुम्हारे पास तो बहुत ही इंप्रेसिव स्किल है और ये शायद से मुझे फाइट के बीच में भी नहीं आना चाहिए, जिस पर लिन बताते कि अगर तुम वहां पर सही
टाइम पर नहीं आते तो ओ मॉन्स्टर मुझे खत्म कर देता। फेलिन नोर से कहती कि मैं तुम्हें बहुत ही सारी रिवॉर्ड देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। जिसे सुनने के बाद नोर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फेलिन मना कर देती है और कहती है कि मेरे फादर भी तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती है। नोर कहता है कि तुमने पहले ही मुझे थैंक्स कह दिया इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर लिन बताती कि मैं एक स्टेटस वाली पर्सन हूँ इसलिए मेरी अगर कोई भी मदद करता है तो मैं उसको बदले में रिवॉर्ड देती हूँ। फिर नोर उससे कहते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लिन उससे पूछती क्या तुम किसी मुश्किल में हो। जिस पर नोर बताते कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। लिन नोर से कहती कि तुम्हें कोई टेरिटोरी चाहिए तो बताओ मैं अपने फादर से बात करके तुम्हें दिला सकती हूँ। पर नोर उसके लिए भी मना कर देता और उससे कहते कि मुझे सही में कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद लिन रोने लगती है और नोर से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलने वाली हूँ। जिसे सुनने के बाद नोर भी अपना पास्ट याद करने लगता है कि वो भी ऐसे ही जिद्दी था जब टीचर ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था। तब तक मैं भी अपनी जगह से नहीं हिलता था जब तक वो मुझे ट्रेनिंग नहीं दे देते थे। फिर नोर लिन के फादर से मिलने के लिए मान जाता और ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लिन नोर से कहते कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा और मैं अपनी मैजिक यूज करूंगी जिससे कि हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। उसके बाद नोर लिन के मेंशन पर पहुंच जाता है और वो मेंशन बहुत ही बड़ा होता है। फिर वो दोनों मेंशन के अंदर जाते और लिन नोर से पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है। नोर उसको अपना नाम बताता है। फिर नोर लिन से उसका नाम पूछता है। जिसे सुनने के बाद लिन नोर से सॉरी कहती कि उसने पहले नोर को अपना नाम नहीं बताया। फिर वो नोर को अपना नाम लिन बताती है। नोर इस मेंशन को देखकर बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है कि शायद ये कोई बड़े फैमिली से होगी। लिन नोर की बातों को याद करने लगता है कि शायद इसलिए वो मुझे कोई गड़बड़ करने से मना कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिन्स आ जाती है और लिन लिन्स से पूछती कि मेरे फादर कहाँ हैं। जिस पर इंस बताते कि अभी आपके फादर रेन के साथ हैं। फिर इंस लिन से पूछती कि आपके साथ आदमी कौन है। लिन बताते कि यही वो आदमी जिसने कल रात मेरी जान बचाई थी। फिर इंस लिन की बात समझ जाती है। नोर इंस को देखकर सोचने लगता है कि शायद ये इस मेंशन की मेड होगी पर उसको आउटफिट देखकर नहीं लग रहा होता है। फिर वो सभी लिन के फादर के पास जाने लगते हैं। तभी अंदर में नोर को एक और आदमी मिलता है और वो इनसे पूछते है कि तुम्हारे साथ में ये आदमी कौन है। इधर नोर सोच रहा होता है कि ये मेंशन शायद से खतरनाक है। इंस गिलबर्ट को साइड हटने के लिए कहती है और बताती कि ये आदमी लेडी रेन का गेस्ट है। पर गिलबर्ट को नोर कुछ खास नहीं लग रहा होता है। तभी इंस गिलबर्ट के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चैम्बर में चलना चाहिए। इंस की बात सुनने के बाद गिलबर्ट भी उनके साथ चलने के लिए चैम्बर में मान जाता है। इधर एन अपने फादर को डिराडेस के बारे में बताती कि वो हमें परेशान कर रहा है। जिस पर उसके फादर बताते कि हमें तो डिराडेस के साथ बात करी थी। जिसके बाद हम पास्ट में मीटिंग को देखते जहाँ पर लिन के फादर डिराडेस के किंग से बात कर रहे होते। डिराडेस के किंग उनसे डंजन के सभी रिसोर्स को मांग रहे होते और बदले में उन्हें मिलिट्री की पावर देंगे। पर लिन के फादर इस ऑफर के लिए उन्हें मना कर देते और ये सुनने के बाद किंग उनसे कहते कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। फिर एन बताता है कि शायद से वो हमें हरा देंगे। तभी वहाँ पर लिन सभी के साथ आ जाती है। नोर सोचने लगता है कि शायद ये लिन के फादर होंगे। तभी रेन लिन के आउटफिट को देखता है और उससे पूछते है कि तुम बाहर गई थी। जिस पर लिन बताती कि वो इंसान को ढूंढने गई थी जिसने उसकी जान बचाई है। ये सुनने के बाद लिन के फादर नोर के पास आते और उसको थैंक्स कहते। जिस पर नोर बताता है कि वो एक नॉर्मल एडवेंचरर है इसलिए उसको एटिक्विट के बारे में नहीं पता है। ये सुनने के बाद लिन के फादर हंसने लगते और नोर से कहते कि ऐसा नहीं है, हम फॉर्मल होकर भी बात कर पाएंगे। वो नोर से कहते कि अगर तुम यहाँ सही टाइम पर नहीं आते तो आज मेरी बेटी नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। फिर वो नोर से कहते कि मैं तुम्हें बिना रिवॉर्ड के यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम चाहे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें पैसे और लैंड सब कुछ दे सकता हूँ। पर नोर मना कर देता है और बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसे सुनने के बाद लिन के फादर सोचने लगते और बोलते कि शायद इसको पैसे नहीं चाहिए। फिर वो नोर से कहते कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें डंजन के कुछ रेयर आइटम दे सकता हूँ। हमने सभी पुराने डंजन में से रेयर आइटम निकाले और उसको अपने ट्रेजर हॉल में स्टोर करके रखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आधा ट्रेजर दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद रेन के फादर कहते कि आपको ज्यादा ही बड़ा रिवॉर्ड दे रहे हो। तभी नोर कहते कि मुझे ये सब भी नहीं चाहिए। जिसे सुनने के बाद लिन के फादर सोचने लगते कि इसको रेयर आइटम भी नहीं चाहिए। फिर वो नोर को अपनी सोर्ड देते और जैसे ही नोर उस सोर्ड को पकड़ता है तब उसको पता चलता कि ये सोर्ड तो बहुत ही ज्यादा भारी है। लिन के फादर बताते कि ये सोर्ड मुझे एक एडवेंचर पर मिला था इसलिए हम इसको रख सकते हैं। ये बात सुनने के बाद नोर उस सोर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके फादर नोर को उस सोर्ड चलाने के लिए कहते हैं। जिसे सुनने के बाद नोर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करता है और वो सोर्ड को चलाना शुरू कर देता है और सोर्ड की वेव को भी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लिन के फादर भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाते कि नोर उस सोर्ड को एक ही हाथ से चला रहा है। फिर वो नोर से पूछते क्या तुम लिन को ट्रेनिंग दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद नोर लिन के फादर से कहते कि आपको अपनी फैमिली के मैटर्स में किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लिन के फादर हंसने लगते और नोर से कहते कि तुमने बिल्कुल सही किया। और फिर वो नोर को दोबारा से थैंक्स कहते हैं। उसके बाद नोर वापस से जाने लगता है कि ये सोर्ड बहुत ही वैल्यूएबल होगी और इसका यूज करके मैं बहुत ही सारे काम कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर इंस आ जाती है और वो नोर से कहती कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नोर सोचने लगता है कि शायद ये मुझ पर गुस्सा है। फिर इंस नोर से माफी मांगती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि शायद लिन ने उसके साथ रूड बिहेव किया होगा।
होगा। नोर इनसे कहते कि आपको इस तरह से मेरे आगे नहीं झुकना चाहिए। इंस नोर से कहते कि तुमने क्ले फैमिली की मदद की इसलिए हम तुम्हारे बहुत ही आभारी है। वो नोर से कहते कि हम इस फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसे सुनने के बाद नोर इनसे कहते कि तुम इस फैमिली की मेड नहीं हो। जिसे सुनने के बाद इंस बताती कि मेरा नाम इंस हेरेनस है और मैं यहाँ पर सभी वॉरियर की वॉइस कैप्टन हूँ। मुझे सभी ने यहाँ पर डिवाइन शील्ड का टाइटल दिया और मैं लेडी रिन को प्रोटेक्ट करती हूँ। पर तुमने लेडी रिन को प्रोटेक्ट करके मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनने के बाद नोर सोचने लगते है कि मुझे इंस का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वो मान जाता है। फिर इंस नोर से कहती कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, इसलिए अगली बार जब तुम किंग और लेडी लिन से मिलने आओ तो प्रॉपर वे में बिहेव करना, और ये एक वार्निंग है क्योंकि मैं किसी को भी किंग और लेडी लिन की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर वो नोर से उसका नाम पूछती है और नोर लिन्स को अपना नाम बताता है। नोर का नाम सुनने के बाद इंस को लगने लगता है कि उसने ये नाम पहले भी कहीं पर सुना है। फिर नोर उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर इंस कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नोर वहाँ से जाने लगता है तभी उसके सामने गिलबर्ट आ जाता है। नोर गिलबर्ट का नाम भूल चुका होता है, तभी गिलबर्ट नोर से कहता है कि मेरा नाम गिलबर्ट है और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद नोर सोचने लगता है कि आज मैं घर नहीं जा पाऊंगा, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।